मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लोग बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है और दूसरे के कामों को अपना काम बताते हैं, यानी दावा करते हैं ये काम मैंने किया है, करते कुछ भी नहीं है मगर दावा जरूर करते हैं। इसी तरह की कहानियां मुंब्रा शहर में अक्सर देखने को मिलती हैं, काम किसी और का, नाम किसी और का। ऐसे में देखा जाए तो हम बात कर रहे हैं मुंब्रा शहर की, जहां काम कोई और करता है और उसका श्रेय कोई और लेता है। फिलहाल एक मुद्दा लगभग जो 6 महीनों से गरमाया हुआ है, वो मुद्दा है रेलवे ट्रैक की। वो कौन सा ट्रैक है? आनंद कोलीवाड़ा से लगकर जो ट्रैक यानी फास्ट ट्रैक कल्याण से सीएसटी और सीएसटी से कल्याण की तरफ जाती है। आए दिन इस फास्ट ट्रैक पर दुर्घटनाएं होती रहती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ सुरक्षा दीवार नहीं है, जिसकी वजह से लोग शॉर्टकट के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं। यही सुरक्षा दीवार का मुद्दा है जो 6 महीने से गरमाया हुआ है। और इसी सुरक्षा दीवार को लेकर श्रीकांत शिंदे ने कई बार दौरा किया और यहाँ की हालात को समझा, आखिर घटनाएं क्यों होती हैं। इसके बाद श्रीकांत शिंदे ने प्रस्ताव लाया खासदार। श्रीकांत शिंदे ने कहा जल्द ही सुरक्षा दीवार का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अब वहीं पर कोई और दावा कर रहा है कि ये काम मैंने किया है। एमआईएम के सैफ पठान ने कहा है कि सुरक्षा दीवार का काम मैंने कराया, हालांकि वहां पर अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है, लेकिन इस काम की जिम्मेदारी श्रीकांत शिंदे की है। श्रीकांत शिंदे ने पिछले दिनों प्रहार टाइम्स को बताया था कि कोलीवाड़ा स्थित फास्ट ट्रैक पर सुरक्षा दीवार का काम जल्द ही चालू हो जाएगा। वहाँ पर मैं खुद जाके आया हूँ, वहाँ पर रेलवे के अधिकारियों को भी लेके गया हूँ और वो जल्द से जल्द अभी उसका जो कंपाउंड वॉल जो है, सेफ्टी वॉल जो है, वो सेफ्टी वॉल बांधने का काम जल्द से जल्द शुरू होगा। उसके लिए जो जो निधि है वो निधि अभी रेलवे से, रेलवे को वो काम के लिए मंजूरी मिल चुकी है और जल्द से जल्द वो निधि भी मिल जाएगी। लेकिन काम अब तक चालू नहीं हुआ, काम कब चालू होगा किसी को पता नहीं है। मगर सैफ पठान ने एक हादसे के दौरान कहा था कि अगर रेलवे यहां पर सुरक्षा दीवार नहीं बनाकर देगी तो मैं सैफ पठान खुद दीवार उठा लूंगा, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम सुनेंगे, अगर उसके बावजूद उन लोगों ने काम पूरा नहीं किया तो हम लोग यहाँ के लोकल्स लोग को लेकर के हमारी एमआईएम की टीम यहाँ पर लोगों की जान बचाने के लिए खुद दीवार उठा लेगी, हमको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ये बात बोलकर सैफ पठान को काफी दिन हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं बना। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि मुंब्रा में कुछ नेता सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं और दूसरे के कामों को अपना काम बताते हैं। बहरहाल ये जो काम है ये श्रीकांत शिंदे का है, मगर वहीं दावा करने वाले सैफ पठान ने कुछ महीने पहले प्रहार टाइम्स के इंटरव्यू में कहा था कि अपने पैसे से बनाकर सुरक्षा दीवार दूंगा, मगर अभी तक क्यों नहीं बनाए। मगर जब रेलवे की तरफ से सुरक्षा दीवार बनाने की काम की आशंका हो रही है तो इसी दौरान पठान ने कहा कि ये मेरी मेहनत है जो सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।